Good morning students. Today we will start exercise 1.3 of chapter 1st integers. इससे previous video में हम exercise 1.3 के question 5 तक discuss कर चुके हैं. Now in this video we will discuss the remaining questions. Start करते हैं हमारे question number 6 से. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Question 6 में हमें ये given है कि एक certain freezing process के लिए required है कि जो room temperature है वो lower होना चाहिए कितना 40 degree Celsius से every hour कितना 5 degree Celsius. तो अगर 40 degree Celsius से जो room temperature है वो कम होना शुरू होगा और हर एक घंटे कितना कम होगा 5 degree Celsius तो हमें बताना है कि room temperature होगा आफ्टर 10 आवर्स. जब 10 घंटे हो जाएंगे तो उसके बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा जब ये प्रोसेस बिगिन हो चुका होगा. सो देखो कैसे करेंगे. लेट अस टेक द लोअर टेम्परेचर एज नेगेटिव. जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसको हमने क्या माना, नेगेटिव माना. गिवन क्या है हमारे पास, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है. कहां से टेम्परेचर बिगिन होगा, 40 डिग्री सेल्सियस से. कितना चेंज होगा एवरी आवर, 5 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको हमने क्या माना है, नेगेटिव. मतलब जो कम होता चला जाएगा आफ्टर एवरी आवर कितना कम होगा, 5 डिग्री सेल्सियस. तो नेगेटिव का हो जाएगा वो, तो नेगेटिव का माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस. तो आफ्टर 10 आवर्स वो कितना चेंज हो चुका होगा. देखो चेंज हो रहा है हर घंटे माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे इतना चेंज हो रहा है. तो 10 घंटे बाद कितना चेंज हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से. तो 10 5 जा 50 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. तो आफ्टर 10 आवर्स जो हमारा चेंज हो चुका होगा टेम्परेचर में कितना हो चुका होगा, माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस. सो देयरफॉर द फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, जो फाइनल रूम टेम्परेचर होगा आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा. देखो 40 डिग्री सेल्सियस तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था. जो चेंज इन टेम्परेचर होने वाला है आफ्टर 10 आवर्स वो कितना होगा, माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस. हमें फाइनल रूम टेम्परेचर बताना है कि आफ्टर 10 आवर्स फाइनल रूम टेम्परेचर उस रूम का क्या टेम्परेचर होगा. ठीक है, तो 40 प्लस माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. ठीक है, माइनस करेंगे 50 में से 40 का कितना बचा, 10 बचा. 40 और 50 में से कौन बढ़ा है, 50 बढ़ा है, 50 का साइन है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस. तो उस रूम का फाइनल रूम टेम्परेचर कितना होगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 10 आवर्स द प्रोसेस बिगिंस. Now let's come to the question number 7th. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. First, Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. What is his score? देखो question 7th में हमें क्या given है कि एक class test था जिसमें 10 questions थे. ठीक है, 5 marks दिए जाते हैं करेक्ट आंसर पर. अगर कोई आंसर करेक्ट होगा तो उस पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर कोई आंसर इनकरेक्ट हो जाता है तो उसके लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, माइनस 2. और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा है, कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए मार्क्स होंगे 0. फर्स्ट हमें गिवन है कि जो मोहन है उसके 4 करेक्ट गए और 6 इनकरेक्ट गए, तो हमें बताना है कि उसका टोटल स्कोर कितना हुआ. ठीक है, अगर करेक्ट जाने पर 5 मार्क्स करेक्ट के मिल रहे हैं और इनकरेक्ट जाने पर जो मार्क्स हैं वो माइनस 2 मिल रहे हैं, तो मोहन के करेक्ट हुए कितने, 4 और 6 इनकरेक्ट हुए उसके. गिवन है हमें कि मोहन के 4 करेक्ट हुए और 4 करेक्ट होने पर मार्क्स, अगर क्वेश्चन सही गया है तो उसके करेक्ट होने पर 5 मार्क्स मिलेंगे. तो उसके 4 करेक्ट गए तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे. तो उसके करेक्ट होने वाले क्वेश्चन पर कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, 20 मार्क्स. कितने मिल जाएंगे, 20. ठीक है, उसके करेक्ट आंसर कितने हुए, 20. उसी तरह से देखो उसके 6 इनकरेक्ट गए, कितने इनकरेक्ट गए, 6 इनकरेक्ट गए. और अगर कोई आंसर इनकरेक्ट होगा तो उस पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे, माइनस 2. तो उसको माइनस 2 मार्क्स गिवन होंगे. ठीक है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 12. हमें बताना है कि उसका टोटल स्कोर कितना होगा, तो टोटल स्कोर के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 20 प्लस माइनस का 12, तो 20 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 12. 20 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8. तो उसको कितने, उसके जो आंसर है जिसका स्कोर होगा वो कितना मिला उसको, 8. मतलब उसका टोटल स्कोर आया
8. Now second है, Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. So what is her score? Second में हमें given है कि जो Reshma थी, उसको क्या हुआ? उसके 5 correct answers थे और 5 incorrect answers थे. तो हमें बताना है कि उसका total score क्या होगा? देखो, Reshma के कितने correct answers थे? 5 correct answers थे. और correct answers पर कितने marks मिल रहे हैं? 5 marks मिल रहे हैं. तो 5 × 5 कितना हो गया? 25. तो उसको कितने marks मिले correct आंसर्स पर? 25 मार्क्स. ठीक है, अब रेशमा के कितने इनकरेक्ट हुए? रेशमा के इनकरेक्ट हुए 5, और इनकरेक्ट पर कितने मार्क्स मिलेंगे? माइनस के 2. ठीक है, तो 5 तो से कितना होता है? 10. तो क्या आ गया? माइनस का 10. तो यहाँ पर उसको कितने मार्क्स मिलेंगे इनकरेक्ट आंसर्स पर? माइनस के 10. हमको उसका टोटल स्कोर बताना है. ठीक है, तो टोटल क्या होगा? 25 + −10. ठीक है, सो 25 + −10 क्या होता है? माइनस का 10. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? 15. तो रेशमा का टोटल स्कोर कितना होगा? 15. क्वेश्चन 7th का जो थर्ड पार्ट है वो आप उससे ट्राई करेंगे. क्वेश्चन थर्ड है इसका, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन. शी अटेम्प्ट्स व्हाट इज हर स्कोर. थर्ड में हमें गिवन है, बोला है कि हीना जो थी उसके 2 करेक्ट आंसर गए और 5 इनकरेक्ट आंसर गए आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में. तो हमको उसका टोटल स्कोर बताना है. तो ये वाला थर्ड आप उससे ट्राई करेंगे और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8th. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8th. अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड. क्वेश्चन 8th में क्या गिवन है कि एक सीमेंट कंपनी को प्रॉफिट होता है ₹8 का हर एक बैग पर वाइट सीमेंट के. जब वाइट सीमेंट का बैग सोल्ड होता है तो उस पर उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है हर एक बैग पर. ठीक है, और लॉस होता है ₹5 का हर एक बैग पर. किसमें? ग्रे सीमेंट सोल्ड पर. जब वाइट सीमेंट सोल्ड होगा तो प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का हर एक बैग पर, और अगर जब ग्रे सीमेंट सोल्ड हो रहा है, जब ग्रे सीमेंट बिक रहा है, तो उस पर उसको नुकसान हो रहा है ₹5 का हर एक बैग पर. ठीक है, तो फर्स्ट हमसे पूछा है ए में, द सीमेंट कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इट्स प्रॉफिट और लॉस. अब ए ने बोला है कि सीमेंट कंपनी ने जो सेल करे 3000 बैग तो व्हाइट सीमेंट के सोल्ड करे और 5000 सोल्ड करे ग्रे सीमेंट के एक महीने में. तो हमें बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ. ठीक है, तो देखो अगर एक गिवन क्या है, हमें गिवन है कि प्रॉफिट उसको एक सीमेंट के बैग पर कितना होता है? ₹8 का. तो कंपनी ने सेल करे हैं 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के. अभी हम बात कर रहे हैं व्हाइट सीमेंट की. व्हाइट सीमेंट की एक बैग पर कंपनी को मुनाफा होता है, फायदा होता है ₹8 का. उसने टोटल सेल करे हैं 3000 बैग, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से तो कितना आ गया? 24000. तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको व्हाइट बैग सीमेंट बैग पर? 24000 रुपीस का. अब गिवन है कि उसको लॉस होता है एक ग्रे सीमेंट के बैग पर कितने? ₹5 का. उसको लॉस कितना हो रहा है? ₹5 का लॉस हो रहा है. तो -5, ठीक है, लॉस हो रहा है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे उसको. तो उस कंपनी ने 5000 बैग्स सोल्ड करे किसके? ग्रे सीमेंट के. 5000 जो बैग थे वो सोल्ड हुए किसके? ग्रे सीमेंट के. जिस पर नुकसान होता है -5 का, तो -5 को जब हम 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -25000. तो उसको एक मंथ में देखो प्रॉफिट तो हुआ 24000 का और नुकसान कितने का हो गया? -25000 का. तो उसका मतलब उसको नुकसान हुआ है. उसको प्रॉफिट तो 24000 का हुआ, नुकसान कितने का हो गया? -25000 का. तो ये तो नुकसान हुआ है, तो कितने का नुकसान हुआ है उसको? सो टोटल लॉस कितना हुआ है? देखो लॉस हुआ उसको ग्रे सीमेंट के बैग्स पर माइनस के 25000, और प्रॉफिट हुआ था उसको व्हाइट सीमेंट बैग्स पर 24000. तो उसको कुल मिला के नुकसान ही हुआ है, दिख रहा है हमको. ठीक है, तो कितने का नुकसान हुआ ये हम पता लगाएंगे. -25000 + 24000 सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. तो 25000 में से 24000 को माइनस करा कितना आया? ₹1000. तो हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा लॉस ऑफ ₹1000 विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी. कंपनी को कितने का नुकसान हुआ? ₹1000 का.
Now B है, what is the number of items in bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags. क्वेश्चन 8 के बी में क्या बोला है कि कितने नंबर ऑफ फाइट इन बैग सोल्ड होने चाहिए सो दैट कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो. अगर नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड हुए हो उस दिन कितने 6,400. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ वाइट बैग्स, हमने सबसे पहले वाइट बैग्स हम लेट करेंगे एक्स. ठीक है, वाइट बैग्स पर कितने का प्रॉफिट हो रहा था, हर एक वाइट बैग पर कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था वाइट बैग्स पर. तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग एक्स वाइट वाइट सीमेंट बैग्स. ठीक है, हमने वाइट सीमेंट बैग्स को कितना माना है, एक्स माना है, तो उन पर कितना प्रॉफिट होगा, एक्स इंटू 8, तो कितना आ गया 8x रुपीज. ठीक है, उसी तरह से देखो लॉस कितना हो रहा था ग्रे बैग ग्रे सीमेंट के बैग्स पर, 5 रुपए का. कितने का नुकसान हो रहा था, 5 रुपए का, मतलब -5 का नुकसान हो रहा था. यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रे बैग्स हमको दे रखे हैं जो सोल्ड हुए कितने, 6,400. तो 6,400 का इंटू करेंगे -5 से, क्योंकि ग्रे बैग्स पर कितना लॉस हो रहा है, -5 का, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 32,000. अब हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग बताने हैं जो सेल हुए जिससे ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ. So therefore, company must sell to have neither profit nor loss. ना तो profit हो ना loss हो. तो profit plus loss is equal to zero. है ना? ये लिख सकती हूँ ना तो profit हो ना loss हो. तो profit plus loss is equal to zero. Profit कितने का हुआ? 8x का. Loss कितने का हुआ? -32,000. ठीक है? यहाँ से x के value find कर लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा? Number of whites in eight bags. ठीक है, सो देखो 8x यहाँ पर रखा, इक्वल की वहाँ पर किसको भेज दिया, माइनस के 32,000 को, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 32,000 को हमने डिवाइड कर दिया 8 से, 8 4 से कितना होता है 32, तो यहाँ पर कितना आ गया 4,000. तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4,000. सो दैट मीन्स 4,000 नंबर ऑफ वाइट रिमेन बैग्स मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. कितने वाइट नंबर, कितने वाइट सीमेंट के बैग सोल्ड होंगे, 4,000, जिससे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, फर्स्ट हमें गिवन है -3 * ब्लैंक गिवन है, उसके बाद इक्वल्स टू में दे रखा है 27. तो देखो -3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 27 आ जाए, -3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी -9 से. ठीक है, तो देखो माइनस माइनस है, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि है 27. उसी तरह से बी में देखो 5 * ब्लैंक = -35. तो 5 को किससे इंटू करें कि -35 आ जाए, -7 से. सी है ब्लैंक इंटू -8 = -56. तो 7 * 8 से कितना होता है, 56. उसी तरह से जो डी है उसमें क्या गिवन है, किस इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, -12 को, कि 132 आ जाए -11 से. जब हम -11 से 12 को इंटू करेंगे -12 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्रोडक्ट, 132. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 9 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर ख़त्म होती है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे. आज जिस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा. जो चीज़ें मैंने नहीं कराई है वो आपको PDF में मिल जाएंगी, वो आपको खुद से ट्राई करनी है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अगर फिर भी नहीं होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.